पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशानुसार एंटी रोमियो स्क्वाड दल, महिला बीट पुलिस अधिकारी, नारी सुरक्षा दल द्वारा समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूलों, कॉलेज, प्रमुख चौराहों, गांव, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर चौपाल लगाकर मिशन शक्ति अभियान के बारे में महिलाओं, बालिकाओं को जानकारी देते हुए सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए कानून एवं नियमों के संबंध में बताते हुए जागरूक किया गया। साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस व हेल्पलाइन नंबर वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चिकित्सकीय सहायता हेतु 108, पुलिस कंट्रोल नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि यदि किसी प्रकार की समस्या होती है या कहीं आने जाने पर कोई अनजान व्यक्ति परेशान करता है तो हेल्पलाइन नंबरों पर फोन कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। जा रहा हूं कि पहले तो ये कि इसमें हमको देख के डरा कितना, कौन कौन बच्चा, बच्चों के बात करूंगा आज, कितने बच्चे हमको देख के डरे, हाथ खड़े करो, ये देखिए इधर डर, ये भी बच्चा डरा, वो भी, और इधर कौन डरा, अब भाग लेते हैं घर में, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, हमारे इधर जय हिंद बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं तो कहते हैं जय हिंद सर, और खूब इत्मीनान से बिल्कुल पैर हम लोग जैसे पटक कहते हैं जय हिंद सर, तो जय हिंद सर भी बोलते हैं हम आपके बीच में। वो एक अनावश्यक जो भय है जिसको पता नहीं कौन सी फोबिया टाइप है ये, उसको निकाल दीजिए। अब पुलिस व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा जानना जरूरी है। जैसे कुछ ही सही, मतलब तमाम बच्चों ने कहा कि हमें पुलिस वालों को देखने के बाद भी डर नहीं लगता, ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन कई बच्चे इसमें देख करके अनावश्यक जो है भय करते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा। ए बच्चा, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।